Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number two three zero, and our concern is that forewarned is forearmed. Basically, the whole scene which we are talking about is just like that when we say feed forward and feed backward. When we say feed forward, that means that we are preparing for the coming time. And when we say feed backward, That means, हम गुजरे हुई चीज को इवेल्यूएट कर रहे हैं सो इन ट्रैप डिस्कशन रिलेटेड और उस केस पर याद रखिएगा कि जब आप डिसीजन मेकिंग स्टेज में होते हो तो बहुत सी मिस परसेप्शन आपके डिसीजन को डिस्टॉर्ट कर सकती है आपकी बायसेस आपकी सिलेक्टिव परसेप्शन आपका हलो इफेक्ट आपका स्टीरियोटाइप इफेक्ट रिसेंसी एरर प्रोजेक्शन एरर क्ट्स लिस्ट ऑफ ह्यू रिस्ट्रिक्स जो आपकी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट वो करेंगे इसी तरह आपका ट्रस्ट शेक कर सकता है आपके बहुत सी माइंड प्रोसेस वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के दौरान आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस और माइंडफुल रहने की जरूरत है देर आर सो मेनी ट्रिक्स विच द माइंड कैन बी विक्ट ऑफ हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहीं हम किसी अल्यून के शिकार वो ना हो जाए कहीं कोई ऐसी चीज हमारी तवज्जो का मर्कज ना बन जाए विच इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड सिचुएशन वी आर डीलिंग विद सो रिमेंबर कि अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा डिसन मेकिंग के दौरान बहुत सी नॉइज वो क्रिएट कर सकती है बहुत से मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं उन मैसेजेस को अप्रोप्रिएटली रिसीव करना उन मैसेजेस को समझना उनको डी कोड करना उनको परसीव करके उनका एप्रोप्रिएट रिप्लाई सेंड करना ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं. कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसमें उन को मीट करने के लिए बी केयरफुल एंड टू बी माइंडफुल द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जब हम बात करेंगे इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की And particularly when we 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 are talking about forewarned is forearmed, we have have to to be careful we have to uncover the errors in our thinking. Because सोच को हम उन वेरिएशन से दूर नहीं लेकर जाएंगे जो हमारे लिए हमारी थिंकिंग प्रोसेसिस को खराब कर रही हैं, तब तक हमारी जजमेंट भी मुतासर हो सकती हैं so, we वी हैव टू बी केयरफुल वो तमाम एरर्स वो तमाम प्लूटेंट्स वो तमाम नॉइजेस जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर रही हैं वो आगे चलकर हमारे जजमेंट को भी मुतासर वो कर सकती हैं सो बिफोर यू यू जज रिमेंबर हैव टू बी केयरफुल इन योर कॉन्शियसनेस आपके पास बेंच मार्क्स बहुत केयरफुली डिजाइंड होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि किस चीज की वैल्यूएशन के लिए मैंने अपना कंपैरिजन किसके साथ बनाना है अव्वल तो कोशिश ये करें कि यू डोंट गो फॉर कंपेरिजन लेकिन अगर कंपैरिजन इन भी हो तो फिर आपको केयरफुल रहने की जरूरत है कि क्या वो कंपैरिजन बनता भी है डेवलपमेंट ऑफ थॉट वो कैसे होती है हमारा साइकोडाने पर क्या है हमारे पास एविडेंसिस किस किस बात की अवेलेबल है एंड ऑब्वियसली इन तमाम चीजों के पस मंजर में हमें इमोशनली इंटेलिजेंट भी होना है एंड लीडर हम लेवल के लीडर अपने आप को डिक्लेयर ही क्यों ना करें हमारी ह्यूमिलिटी हमारी वेल दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी विद अस वी हैव टू बी केयरफुल विदुल लोगों की जरूरत क्या है और उसके मुताबिक हमें अपने आप को किस तरह से मोल्ड करना है कन्वर्ट करना है बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम ऑर्गेनाइजेशन या जहां पर भी हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां के मकासिद को पाए तकमील तक पहुंचाएं डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेसिस के अंदर हमारे पास अगर हम इसको एक पूरे प्रोसेस के तौर पर पिक करें तो हमारे पास प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन से लेकर प्रॉब्लम डेफिनेशन से लेकर अपने आप को लेकर चलना है टूवर्ड्स द सेफ साइड जहां पर ट्रैप्स डिफरेंट तरह के हमें पलूट ना कर दें हमारी डिसीजन मेकिंग को पलूट ना कर दें और हमारे डिसीजन मेकिंग अगर इफेक्ट कर जाएगा इन ह्योरिस्टिक से तो ऑबली उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी तो टेक केयर थैंक यू वेरी मच